जी दोस्तों, अब इसको हम बारबेक्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे इसकी साइड पकती जाएगी, हम उसको इसकी साइड चेंज कर दे जाएंगे। इसको हम बारबेक्यू करके इसको हम पानी में डाल के इसका छिलका उतार लेंगे बारबेक्यू करने के बाद। दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूलो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाया हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये देहातों में बनाई जाती है। बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों, आज की रेसिपी है बारबेक्यू बैंगन। बारबेक्यू बैंगन बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको भरता भी कह सकते हैं बैंगन का। दोस्तों, बारबेक्यू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बैंगन। बैंगन ये मैंने आपको दिखा दिया, बैंगन किस तरह मैंने इसको बारबेक्यू करके अलग कर लिया है, इसके जो छिलके उतार लिए। उसके बाद दोस्तों, ये अनियन इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद दोस्तों, अदरक लहसुन है, ये मैंने कूट लिया अदरक लहसुन। उसके बाद दोस्तों, ये देखें, ये लाल मिर्च और गरम मसाला है। उसके बाद दोस्तों, ये देखें, मेरे पास हल्दी और नमक है। दोस्तों, खुश्क धनिया और किलवंजी है, थोड़ी सी सब्ज मिर्च है, धनिया है, और ये टमाटर बारीक बारीक चॉप किए। दोस्तों, चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। दोस्तों, ये एक पैन ले लिया, इसको मैंने आग पे चढ़ा दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं घी ऐड करूँगा। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर मैं प्याज डालूँगा। दोस्तों, इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन कुटी डाल रहा हूँ। आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर पेस्ट नहीं डाल रहा, कुटी बहुत ज़बरदस्त जायका आता है इसका। टमाटर डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये याद रहे कि जो प्याज हैं वो खड़े खड़े होते हैं, प्याज को ज़्यादा नहीं कुक किया जाता। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ओरिजिनल वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर मसाला जाप डालेंगे, हल्दी और नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला और लाल मिर्च ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी इसी पर मैं ऐड कर रहा हूँ, किलवंजी और इसकी धनिया ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे मसाले को, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह भून जाए। थोड़ी देर इसको कवर करेंगे। इसको कवर उतार के आप कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर। कसूरी मेथी मैंने आपको पहले नहीं दिखाई दी, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों, आप ये देखें, हम इसके अंदर बैंगन बारबेक्यू किए हुए हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दोस्तों, अब इसको मैं दम लगाऊंगा थोड़ी देर के लिए, हल्की आंच करके सब मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, सब धनिया डाल देंगे, 3 से 4 पत्ते पुदीने के डाल देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं। उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका अब हम ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा भरता बनकर तैयार है। आपने इसको ज़रूर बनाया, इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।